हाय फ्रेंड्स, मैं अनिमा स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल माय व्यंजन्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चिकन 65 जो बहुत ही टेस्टी, खट्टी, मीठी और तीखी सी चिकन की रेसिपी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और हाँ, इसे मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाया है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम इसके प्रोसेस को और बनाते हैं चिकन 65। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन लिया है और अच्छे से छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए हैं ये। इसी तरीके से आप चिकन ले सकते हैं। इसे अच्छे से धो कर के साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ले सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी ऐड कर लिया है। आधे छोटे चम्मच मिर्ची पाउडर ऐड कर लिया है। कश्मीरी मिर्ची पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा कलर आता है, लेकिन इस रेसिपी में तीखापन बहुत ज़रूरी है। अब हमने यहाँ गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। गरम मसाला ये होममेड है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने थोड़ी सी ली है। आप इस जगह पे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ले सकते हैं। 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। कॉर्नफ्लोर डाल लिया है हमने 1/2 चम्मच के करीब। चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर जो भी आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च डाल लिया है, ये कोटिंग के लिए, इससे बहुत अच्छी कोटिंग आएगी। 1 चम्मच आप दही डाल लीजिए इसमें। अगेन, दही हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो चिकन के मसल्स को लूज कर दे और चिकन 65 बहुत टेस्टी बने। 1 पूरा अंडा हम इसमें तोड़ के डाल देंगे और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे हाथों से मिक्स करिए ताकि अच्छे से इसकी कोटिंग आती है। इसके बाद इसको 1/2 घंटे के लिए किसी ठंडे जगह पर रख दीजिए या फ्रिज में रख दीजिए। इससे सारे मसालों का टेस्ट चिकन के अंदर आ जाता है और चिकन अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाती है। अब 1/2 घंटे हो चुके हैं, तो देखिए चिकन कुछ इस तरीके से। अब इसको हम फ्राई करेंगे। पैन में हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल ले रखा है। आप ऑयल कोई भी ले सकते हैं। एक बार ऑयल हीट हो जाए उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे ही रख के इसमें चिकन के पीसेस को ऐड करेंगे। हमने यहाँ डीप फ्राई नहीं किया है। डीप फ्राई करने के लिए हमें क्या करना होता है? अगर डीप फ्राई हम तब करेंगे जब हमारा चिकन 12 घंटे कम से कम मैरिनेट हुआ हो, अदरवाइज चिकन बिल्कुल हार्ड सा बन जाता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस से आप बनाइए, बहुत कम तेल भी यूज होगा तो हेल्दी भी है। और हम इसे मीडियम हीट पे पलट पलट कर सेक लेंगे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। इससे चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगा। आप इसी तरीके से बनाइए, यह बेस्ट तरीका है। फिर भी अगर आप डीप फ्राई करते हैं तो उसे डबल फ्राई कीजिए। एक बार में ही गोल्डन ब्राउन होने तक मत तलिए, एक बार में हल्की सी उसकी कोटिंग सेट होने तक तलिए, वापस से निकाल लीजिए। चिकन जब हल्का ठंडा हो जाए फिर वापस से उसको डीप फ्राई कीजिए। तो इस तरीके से डबल फ्राई का प्रोसेस आप अपनाइए अगर आप डीप फ्राई करते हैं तो, या फिर इस तरीके से बनाते हैं कम तेल में तो इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है, इसी तरीके से आप पलट पलट कर सेक लीजिए। इसमें लगभग 10 मिनट के करीब लगा है मुझे। अब इसका नाम चिकन 65 क्यों है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इसमें 65 मसाले आप डालें। पहली बार इसे 1965 में बनाया गया था, इसलिए भी ये चिकन 65 बोलते हैं। ये केरल में सबसे पहली बार केरल के रेस्टोरेंट में बनाया गया था और मेन्यू कार्ड में ये 65th पोजीशन पे था एंड चिकन का आइटम था, तो इसे सब लोग उसको चिकन 65 बोलने लग गए। चलिए, बातों बातों में चिकन भी फ्राई हो गया, लगभग ऑलमोस्ट डन है ये। अब हम हर एक चिकन के पीसेस को एकदम ध्यान से देख के और अच्छे से इसको पलट के अच्छे से सेक लेंगे। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सेकना है। हर एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए।
आप यहाँ देख सकते हैं चिकन के पीसेस से ऑयल बिल्कुल सेपरेट होने लग गया, अलग होने लग गया। अब हम इसको निकाल लेंगे, देखिए बिल्कुल ऐसे इस तरीके से डीप फ्राई होना चाहिए। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। अब सेम पैन जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था उसमें थोड़ा सा ऑयल अभी भी बचा हुआ है, उसी में हम एक छोटी चम्मच जीरा डाल लेंगे और अच्छे से हिलाते हुए क्रैकल होने तक इसको सेक लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको चलाते हुए सेकेंगे। अब इसमें हम 5 से 6 हरी मिर्च डाल लेंगे जिसको बीच से स्लिट किया हुआ है। हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसके बाद आप यहाँ पर करी लीव्स डाल सकते हैं, मुझे फ्रेश करी लीव्स नहीं मिली तो मैंने इसके जगह पर धनिया पत्ता यूज़ किया है, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक छोटी चम्मच सेजवान सॉस ऐड कर लिया है, चिली सॉस ऐड कर लेंगे 1 छोटी चम्मच और टोमेटो सॉस ऐड कर लेंगे 2 चम्मच। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे से इसको, बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करने के बाद सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ 1 छोटी चम्मच कॉर्न स्टार्च ले रखा है, इसमें हम क्या करेंगे इसको हम अच्छे से घोल लेंगे, लेकिन पानी में मैंने थोड़ा सा सोया सॉस ले लिया है 1/2 चम्मच जितना, और उसको पानी में मिक्स करके फिर मैंने उसे कॉर्न स्टार्च में डाला है और उसको एक अच्छा सा घोल तैयार कर लिया। लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, पानी बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। देखिए बिल्कुल ऐसे घोल बनके अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसको वापस से इसी पैन में डाल लेंगे, धीरे धीरे करके आप डालिए इसको। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे ही ये मिक्स हो जाए अच्छे से फिर हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से ये मिक्स हो गया है। अब ये रही चिकन के पीसेस, अब हम इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, एक एक चिकन पे जो मिक्सचर है उसकी कोटिंग हो जानी चाहिए, और ये कोटिंग होने में और मिक्सचर का टेस्ट चिकन के अंदर आने में 4 से 5 मिनट लगता है, तो इसे को 4 से 5 मिनट आप अच्छे से पका लीजिए। देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कोटिंग, अभी थोड़ा सा आपको लिक्विड सा दिख रहा होगा, ये बिल्कुल कोटिंग जैसा बन जाएगा। 4 से 5 मिनट बाद आप देखेंगे बिल्कुल कोटिंग सा बन जाएगा। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट हो गया कोटिंग बनना। अब आप देख सकते हैं जो भी हमारी मिक्सचर थी बिल्कुल पैन में कुछ भी नहीं है, सारा कुछ चिकन के ऊपर आ चुका है, सारी चिकन के ऊपर कोटिंग बन चुकी है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसको धनिया के पत्ते से सजाइए, थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल दीजिए और सॉस डाल लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने सेजवान सॉस डाला है यहाँ पे, आप सेजवान सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस कोई भी डाल सकते हैं जो आप पसंद करते हैं, या फिर तीनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो लीजिए बिल्कुल चिकन 65 बनके तैयार है, तो आप भी ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी बनी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।